हाल ही में बीते दौरान देखा गया था बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कंगना रनौत की बर्थडे सेलिब्रेशन। जी हां, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के खास मौके पर अपनी फिल्म मणिकर्णिका को नेशनल अवार्ड न मिलने पर जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलेगा, तो यहां पर जब किसी ने पूछा कि अगर नहीं मिला तो यहाँ पर गुस्से से भड़की कंगना। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कंगना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है आपको। Yes. आपकी फिल्म रिलीज हुई थी, इससे संभावना है आपको, क्योंकि देश की एक सबसे बड़ी रानी वीरांगना के ऊपर फिल्म बनी थी। लोगों को मोटिवेट किया इस फिल्म ने, काफी अच्छा प्रभावशाली बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे रहा। लगता है आपको इससे संभावना की एक और आपके इजाफा होगा? देखिए, क्या होता है ना कि कई बार एक इंसान अपने आप, एक चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो कोई भी कला का कोई भी नमूना हो, कोई भी मॉडल हो, उसको देख के वो अपने आप में इतना बेहतरीन होता है। चाहे मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट माइट नॉट साउंड वेरी ऑब्जेक्टिव, बट आई थिंक आई एम बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव, कि अगर आप उसका सम्मान ना करें तो वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का अपमान होगा। तो अगर मेरे अवार्ड को या मुझे इस फिल्म को मणिकर्णिका को लेकर अगर राष्ट्र पुरस्कार ना मिले तो आई थिंक इट विल बी राष्ट्र पुरस्कार की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, क्योंकि आप इस तरह का काम करते हैं। तो सो इट शुड एंड द वर्क शुड बी लाइक दैट, बट अगेन लाइक आई सेड, अगर कोई और इससे भी बेहतरीन काम आता है देन आई विल बी ऑब्जेक्टिव इनफ टू से कि नो, दिस इज बेटर देन मी। लेकिन आपको लगता है ऐसा हो सकता है? पिछले साल तो कुछ भी आया नहीं मेरे ख्याल, और आप तो जो करती हैं माशाल्लाह। नहीं, पिछले साल आई थिंक टब्बू जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अंधाधुन में। आई एम फ्लोर्ड बाय व्हाट शी इज डन। सो ऐसा ही है, पर अब के साल में आई मीन इट विल बी रेवलेशन अगर मणिकर्णिका से अच्छा परफॉर्मेंस होगा। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट, पर मेरे मुझे तो नहीं लगता कि हो सकता है। Next time, Zoom report.